अरे फ्रैंकलिन भैया, आप मुझे ये पहाड़ों वाले इलाके में क्यों लेके आए हो? मैंने तो आपसे बर्गर खिलाने के लिए बोला था। अबे शिनचैन यार, बर्गर तो मैं तुझे बाद में भी खिला लूंगा। हम लोग यहाँ पर एक मिशन पे आए हैं और ये देख, यहाँ पर है ना कुछ 4-5 हल्क है और 2-3 फ्लैश है। पता नहीं यहाँ पर अंदर की तरफ कहाँ जा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यही मिशन पर भेजा गया है और इनका हमें पीछा करना होगा। ये देख, ये लोग चुपचाप कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ जा रहे। एक काम करते शिनचैन, फटाफट गाड़ी से उतर, हम लोग इनका यहीं पर छुप के वेट करते हैं और देखते कि असल में ये लोग जा किधर रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये सारे हल्क और फ्लैश तो वो टनल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो टनल तो यहाँ पर सदियों से बंद है, ये लोग उसकी तरफ क्यों जा रहे हैं? शिनचैन यार, वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग वहाँ पर करने क्या जा रहे हैं। और गाइस यार, ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर ये जो काली दुनिया की गुफा थी वो खुल चुकी है और ये सारे हल्क और फ्लैश तो उसके अंदर चले गए। शिनचैन यार चल, हमें भी इनके पीछे पीछे अंदर जाना होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, हमें नहीं जाना चाहिए। शिनचैन यार, अगर नहीं गए ना तो लॉस सैंटोस पे खतरा आ जाएगा, चल फटाफट आ जा। और गाइजर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अंदर तो कुछ पोर्टल जैसा कुछ चमक रहा है, जादू शक्ति हो जैसा। चलो फटाफट, मैं यहाँ पर अंदर तो आ गया। और ये क्या देख रहे हो, ये तो घूमते घूमते। अबे शिनचैन, ये कहाँ पे आ गए हम? अरे फ्रैंकलिन भैया, ऐसा लग रहा है कि हम लोग दूसरी दुनिया में कोई चैलेंज वैलेंज पे आ गए हैं। और यहाँ पर ये देखो ना, यहाँ पे सारे के सारे हल्क भी है और सारे के सारे फ्लैश भी है, लेकिन ये लोग यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे, मुझे तो वो भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बे शिनचैन, वो तो समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो गाइजर, यहाँ पर सारे के सारे हल्क और सारे के सारे फ्लैश है। यहाँ पर चल क्या रहा है वो भी नहीं पता। और गाइजर, यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग पॉइंट जैसा लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई चैलेंज हो रहा है। और यहाँ पर इसी बीच में क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर तो एक फ्लैश आ चुका है, लगता है कि यहाँ पर इस चैलेंज को पार करने वाला है। मैं हूँ फ्लैश, मैं हूँ सबसे दुनिया का सबसे तेज भागने वाला। अभी देखो कैसे फटाफट इस चैलेंज को खत्म करके वो ब्लैक गॉड हल्क का 300 सूट जीतूंगा और बहुत सारे सोने पैसे भी। अभी इसको जीतने के लिए मुझे फटाफट से रेस स्टार्ट करना होगा। ये मेगा फुल स्पीड में, ये मैंने जंप लगाई और यहाँ पर मैं थोड़ा आ गया और देखो मैं कितनी फुल स्पीड में जा रहा हूँ। और गाइजर, यहाँ पर ये फ्लैश तो पानी में गिर गया और यहाँ पर अब पिंक हल्क आ चुका है। अच्छा गाइजर, मतलब यहाँ पर एक चैलेंज चल रहा है और यहाँ पर फ्लैश ने बोला था कि ये जो चैलेंज जीतेगा उसको 300 गॉड हल्क का सूट मिलेगा और बहुत सारा ढेर सारा पैसा और सोना। और भाई साहब यार, यहाँ पर पिंक हल्क भी क्या ही फुल स्पीड में जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इनके अंदर फ्लैश की पावर कहाँ से आई। अरे फ्रैंकलिन भैया देखो ना यार, ये पिंक हल्क भी कितना तेजी से भाग पा रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये मोटू हल्क कैसे इतना तेजी से दौड़ पा रहा है। और मुझे तो लगता है ये चैलेंज पक्का कंप्लीट कर लेगा, यहाँ पर इसने फुटबॉल वुटबॉल उड़ा दी और यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर इसने तगड़ी वाली जंप भी लगा दी। अरे बाप रे बाप, हवा में उड़ते हुए यहाँ पर सीधा लैंड कर दिया है, ये पता नहीं कैसे कर पा रहा है। अरे पिंक हल्क, आपने कोई चमनप्रास खाया है क्या? अरे पिंक हल्क देख के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं फायर है, अपन आज का चैलेंज तो अपन ही जीतेगा। ये देखो मैं फुल स्पीड में आया, अरे मैं तो नीचे गिर गया, शिनचैन तूने पनौती लगा दी। अरे पिंक हल्क भैया, मैंने कोई पनौती उनती नहीं लगाई, ऐसा बोलो कि आप नूबड़े हो, आपसे ये रेस कंप्लीट नहीं हुई। और गाइजर, यहाँ पर चैलेंज के लिए आ चुका है, पता नहीं कौन सा फ्लैश है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई काली दुनिया वाला फ्लैश है। और ये तो क्या ही फुल स्पीड में यहाँ पर भागता हुआ आ रहा है, ये देखो। और यहाँ पर ये भागता हुआ फुल स्पीड में गया है और यहाँ पर क्या ही जंप लगा रहा है। अरे बाप रे बाप, इसके अंदर तो बहुत शक्तियाँ लगता है, क्या ही फुल स्पीड में जा रहा है सबको तोड़ फोड़ के। और यहाँ पर ये टायर पर पहुँच गया और यहाँ पर एक दो फुटबॉल भी गिरा दिए, यार कितना स्पीड में जा रहा है मानना पड़ेगा। और यहाँ पर इसने हवे में जंप लगाई, पता नहीं ये लोग कैसे जंप वंप लगा पा रहे हैं। और क्या ही ये तो फास्ट कर रहा है, यहाँ पर तो ये घर के ऊपर भी पहुँच गया और यहाँ पर घर के आसपास दो फुटबॉल थे उनको लांघते हुए सीधा पानी में गिर गया, इसका मतलब ये फ्लैश भी नहीं कर पाया। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डोंट एंग्री मी, मैं हूँ रेड हल्क सबसे ज्यादा ताकतवर। अभी देखो मैं कैसे इस चैलेंज को कम्प्लीट करके वो 300 गॉड हल्क का सूट जीत के आता हूँ। यह मैं फुल स्पीड में गया, क्या ही आसान तरीके से सबको पार कर रहा हूँ। और गाइस यार, यहाँ पर रेड हल्क तो कुछ ज्यादा ही आसान तरीके से हर चीजों को पार कर रहा है। यहाँ पर उड़ते उड़ते इसने यहाँ पर लैंड भी कर दिया और देखा जाए तो हर चीजों को बहुत ज्यादा इजी तरीके से पार कर रहा है। ट्यूब के नीचे से जाने की बजाय ऊपर से आ गया और भाई साहब यार, यहाँ पर हवा में लहराते लहराते फुटबॉल वाले को भी पार कर दिया और यहाँ पर एक पतले रस्ते पे आ गया और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा संभल संभल के आगे जा रहा है। मानना पड़ेगा यार, रेड हल्क तो बहुत ही ज्यादा दिमाग वाला है और यहाँ पर पहुंच चुका और बस थोड़ा ही बाकी है। और यहाँ पर उसको भी चकमा देते हुए यहाँ पर आ चुका, यहाँ पर इसे तगड़ी वाली जंप लगाई और भाई साहब यार, सारे फुटबॉल को भी नीचे गिरा दिया और यहाँ पर आगे आ चुका है और यहाँ पर ग्रीन वाले पे लैंडिंग कर दिया और भाई साहब यार, ज्यादा ही फॉर्म में आके सीधा नीचे गिर गया, इसका मतलब यार रेड हल्क भी नहीं कर पाया। अरे फ्रैंकलिन भैया यार, ये कौन सा फ्लैश है, ये तो कुछ ज्यादा ही तेजी से भाग रहा है। हाँ भाई शिनचैन यार, कुछ ज्यादा ही तेजी से भाग रहा है, ये इसने स्टार्ट किया रेस और फुल स्पीड में जा रहा है। भाई साहब, क्या ही चीजों को क्लियर करते हुए जा रहा है, कुछ ज्यादा ही तेजी से जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इतनी स्पीड से कैसे जा रहा है। और यहाँ पर इसे तगड़ी वाली जंप लगाई और भाई साहब यार, लैंड भी कर दिया और फुल स्पीड में जा रहा है, लगता है कि इसको चैलेंज खत्म करने की कुछ ज्यादा
ज्यादा ही जल्दी थी और भाई साहब यार सीधा जाके गिरा पानी में। ये चैलेंज वैलेंज ये फ्लैश के बच्चों का काम नहीं है, इसे तो मैं करूंगा। मैं हूँ रग्नारक वाला हल्क, अभी देखो कितनी आसानी से करता हूँ। ये देखो मैंने क्या मस्त जंप लगाई और कितनी आसान तरीके से सबको पार करते हुए जा रहा हूँ। अरे फ्रिंगिन भैया यार, यहाँ पर तो ये रग्नारक वाला हल्क ने शॉर्टकट ले लिया, ऊपर से बीच में से कूद गया और यहाँ पर फुल स्पीड में आ रहा है, सब चीजें तो तोड़ फोड़ के जा रहा है, लेकिन लगता है कि ये रास्ता ही भूल गया और यहाँ पर सीधा जाके लगता है गिरने वाला है पानी में, और ये गया सीधा हल्क पानी में। इसका मतलब रग्नारक वाला हल्क भी नहीं कर पाया। हाँ बे शिनचैन यार, ये रग्नारक वाला हल्क तो कुछ ज्यादा ही होशियारी मार रहा था और यहाँ पर आ चुका रिवर्स फ्लैश, और ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। गाइस यार वैसे आप लोगों से कमेंट में आंसर पूछना था, आप सबको बताना है कि 2+2 कितना होता है, जिसका भी आंसर सही होगा उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। और यहाँ पर ये रिवर्स फ्लैश तो कुछ ज्यादा ही फुल स्पीड में जा रहा है, बाप रे बाप, सीधा जाते ही जा रहा है। मैं हूँ रिवर्स फ्लैश और इस चैलेंज को तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। ये देखो कितने आसान तरीके से सबको पार करते हुए जा रहा हूँ। ये रास्ता पतला, थोड़ा संभल के करना, उसको मैंने पार कर दिया, और ये भी रास्ता थोड़ा पतला है और इसको भी मैंने पार कर दिया, और ये मैंने जंप लगाई और सीधा यहाँ पर तो बहुत सारे फुटबॉल है, रुको एक एक करके फुटबॉल को नीचे गिरा देता हूँ, मजा आ गया। और यहाँ पर ये बहुत सारे बर्गर पड़े हुए हैं, ये बर्गर मुझे खाने हैं, लेकिन ये बर्गर मैं बाद में खाऊंगा, भाई मुझे फटाफट से चैलेंज कंप्लीट करना होगा, तभी मुझे वो गॉड हल्का ब्लैक वाला सूट मिलेगा। चलो फटाफट जाते हैं, इसको तो मैंने पार कर दिया और इसको भी कूद कूद के यहाँ पर मैंने पार कर दिया। ये कैसी टनल है येलो कलर की, लगता है कि इसके अंदर से जाना होगा, और यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ आ गया, अब बस लगता है कि थोड़ी सी रेस बची, इसको मैंने पार कर दिया। ये फुटबॉल को मारा और ये ग्रीन के ऊपर से आया और ये मैंने जंप लगाई और ये क्या रास्ता ही खत्म हो गया, ये तो मैं नीचे गिर रहा हूँ। और गाइस यार यहाँ पर रिवर्स फ्लैश ने काफी अच्छी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं कर पाया, और यहाँ पर ब्लू होल का चुका जो कि बहुत ही ज्यादा फुल स्पीड में जा रहा है और यहाँ पर जंप लगाई इसने, क्या ही खतरनाक तरीके से पार कर रहा है सब चीजों को। यहाँ पर पहुंच चुका है टायर पे और ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर तो लगता है कोई दिमाग लगा रहा है, और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड क्यों देख रहा है। अरे भाई साहब यार ब्लू होल तुझे सीधा सीधा जाना है, अच्छा चलो सीधा सीधा यहाँ पर आया, इसने टायर को जंप कराया और हवा में चला गया और हवा में से नीचे नहीं उतर रहा है। अबे ब्लू होल ये क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तू तो चैलेंज को कंप्लीट करना है। और भाई साहब यार ये तो पूरे चैलेंज में हवा में घूम रहा है, अबे ये सुपर पावर्स कहां से लाया तू। और भाई साहब यार इसने तो आधा चैलेंज हवा में से ही कंप्लीट कर दिया और सीधा फुल स्पीड में जाते हुए यहां पर ये टायर को भी क्रॉस कर दिया ऊपर से। और भाई साहब यार ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाले ब्लू होल का, और यहां पर इसने सीधा लैंड कर दिया रेड वाले जगह पे, और आधे रेस को तो इसने इसी हवा में से कंप्लीट कर दिया, और यहां पर फुल स्पीड में आया, इसको भी पार कर दिया दो टायर को और यहां पर सीधा लैंड कर दिया है। और भाई साहब यार ये ब्लू होल तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मुझे तो लगता है आज का चैलेंज यही जीतेगा। और यहां पर इसने स्पाइरल को भी पार कर दिया, फुल स्पीड में जा रहा है लेकिन यहां पर नीचे गिर गया, इसलिए कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। अरे मैं हूं नोनू मोटू फ्लैश और देखो मैं क्या फुल स्पीड में जा रहा हूं, आज तो ये रेस मैं कंप्लीट करके वो गॉड हल्का सूट जाऊंगा, और ये देखो मैं फुल स्पीड में आया। अरे ये क्या, मैं तो यहीं से नीचे गिर गया, कोई मुझे बचाओ। अरे फ्रिंगिन भैया यार ये मोटू फ्लैश तो कितना क्यूट था यार, इसकी आवाज कितनी ज्यादा मस्त थी, और यहाँ पर ये कौन सा हल्का चुका सिंह वाला, बाप रे बाप ये तो देखने में डरावना लग रहा है, ये तो पक्का लगता है रेस को कंप्लीट कर देगा। हाँ बे शिनचैन यार मुझे भी ऐसा ही लगता है, यहाँ पर इसने दो बड़े बड़े टायर भी क्रॉस कर दिए और यहाँ पर ये ब्लू वाले पे आके इसने नीचे से देख रहा टायर के यहाँ पर लैंड कर दिया है, और काफी आसान तरीके से यहाँ पर छत पर पहुंच गया और बॉल वॉल को नीचे गिरा था, क्या ही शॉर्टकट लिया और सीधा यहाँ पर पहुंच गया। अब ये पतली डंडी थी इस पे से पार कर दे, भाई साहब यार ये तो वहां पहुंच गया जहाँ पे सारे फुटबॉल थे, यार ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, एकदम फुल स्पीड में जा रहा है। बर्गर वर्गर को यहाँ पे धक्का मारते हुए टायर वायर के बीच में से यहाँ पर येलो वाली टनल में आ चुका है, भाई साहब यार क्या ही फुल स्पीड में जा रहा है, ये लग रहा है कि पक्का जीतेगा, क्या ही फुल स्पीड में जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर वाला हल्क है। और यहाँ पर ही ग्रीन वाले रास्ते पे आ गया, एकदम फुल स्पीड में गया और यहाँ पर इसने जंप लगाई, वो भाई साहब यार क्या ही हवा में जंप लगाई, पता नहीं इसके अंदर इतनी पावर आ कहां से रही, और सीधा रेड वाले पे लैंड कर दिया है, और यहाँ पर बहुत सारे बर्गर वर्गर थे उनको धक्का मारते, यहाँ पर ब्लू टायर के नीचे लगता है गिर गया, और नहीं गाइस यार इसने क्या ही होल्ड किया और सीधा यहाँ पर लैंड कर दिया। और बापरे बाप यहाँ पर ये स्पाइरल लाइट वाले में आ चुका, एकदम फुल स्पीड में जा रहा है, और यहाँ पर लगता है कि रेस बस खत्म ही होने वाली, बस लगता है कि 3-4 ब्लॉक्स बाकी है, फुल स्पीड में जा रहा है, बस यहाँ पर ये आखिरी ब्लॉक्स बाकी, यहाँ पर इसने जंप लगाया और ये क्या देख रहा हूँ यहाँ पर तो ये पहुंचते रह गया, भाई साहब यार सिर्फ 1 इंच का फर्क था, अरे यार इसने कितना अच्छा खेला। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हल्क कुछ ज्यादा ही गुस्से में और पानी पे दौड़ रहा है, रिवेंजर हल्क को गुस्सा आ रहा है, आज हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरी फ्रेंडिन भी अब मेरी बारी आ गई, ये देखो मुझे भी यहाँ पे फ्लैश की पावर मिल गई है, अभी देखो मैं कैसे जीत के आता हूँ, पिंचन मुझे ऑल द बेस्ट बोलो। अरे हाँ सिंचन ऑल द बेस्ट, तुम ही जीतोगे। अरे थैंक यू पिंचन। अरे दोस्तों यार यहाँ पे मैं फुल स्पीड में आया, यहाँ पर तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ये मैंने टायर वायर को क्रॉस कर दिया है और यहाँ पर ब्लू वाले पे आ गया, और यहाँ से सीधा लगता है कि ऊपर से नहीं जा पाऊंगा, एक काम करता नीचे से चला जाता, ये मैं साइड में से आया और ये देखो यहाँ पर लैंड कर दिया। बाप रे बाप इस फ्लैश के अंदर तो कितनी ज्यादा ताकत थी, मेरे अंदर आते ही पता चल रही है, और यहाँ पर ये बॉल पड़ा इसका नीचे गिरा देता, मजा आ गया, एक काम करता यहाँ से जाऊँ, ये रास्ता काफी ज्यादा पतला है।
रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा संभल के आना पड़ेगा। एक काम करता, धीरे धीरे जाता हूँ, राम 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 राम। बहुत ही ज्यादा मुझे डर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा संभल के करना होगा। और मैंने इसको भी पार कर दिया, अब लगता है फिर से ये रास्ता आ गया है, लेकिन इसका तो मैं फास्ट तरीके से पार कर दूंगा। ये देख, मैंने जंप लगाई और सीधा पार कर दिया। अब यहाँ पे मैं आ चुका, यहाँ पर तो बहुत सारी गाड़ियाँ, इनको छोड़ो, यहाँ पर तो बहुत सारे बर्गर है, बर्गर तो मैं बाद में खा लूंगा रेस जीतने के बाद। और यहाँ पर मैं टायर के पास आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं इसको तो कूदते पार करूंगा। अरे वाह, इसको तो पार करने में क्या ही मजा आया। और यहाँ पर तो येलो टनल को ही मैंने पार कर दिया है। और यहाँ पर ये क्या चीज़ है, और इसके तो मैं बीच में से गया। अच्छा चलो, टूट गया, मुझे चोट नहीं लगी। अब मुझे बस फुल स्पीड में यहाँ से जाना है और यहाँ से मेरे को तगड़ी वाली जंप लगानी होगी। ये मैंने जंप लगाई, अब बस ये सीधा रेड वाले पे लैंड करना होगा। ये देखो, मैंने यहाँ पर लैंड भी कर दिया है। और गाइस यार, यहाँ पर हमारा शिनचैन तो कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रहा है, इस चैलेंज को फुल स्पीड में जा रहा है। और यहाँ पर इसने हवा में तगड़ी वाली जंप लगाई और भाई से भी यार दो टायर के बीच में से सीधा यहाँ पर ग्रीन वाले पे लैंड कर दिया है। अब लाइट वाले स्पाइरल पे आ चुका और इसको भी फुल स्पीड में पार करते हुए, चीरते हुए यहाँ पर फुल स्पीड में ब्लॉक्स पार करते हुए और बाल बाल नीचे गिरने से बचा। रेड वाले को पार किया, येलो वाले को पार किया और भाई साहब हवे में जाके सीधा यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट पे लैंड कर दिया। और भाई साहब यार, आज का चैलेंज ये शिनचैन जीत चुका है और उसको मिलेगा ये थ्री हेडेड गॉड हल्क का सूट और ये ढेर सारा सोना, हीरे, जवाहरात और पीछे रखी हुई वो सारी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां। बाप रे बाप, शिनचैन तो इतनी सारी चीजों का करेगा क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया, इतने सारे पैसों से ना मैं अपने लिए घर बनाऊंगा और अपने दोस्तों के लिए भी, फिर उनको भी अपने घर में बुला लूंगा। कजामा, बोचेन वोचेन सबको बुला लूंगा और मसाओ को भी। अरे यहाँ पर तो सूट पड़ा हुआ है, ये सूट तो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। चलो एक काम करते, फटाफट से सूट पहन को देखता हूँ। और यहाँ पे मैंने सूट पहना, अरे बाप रे बाप, मेरे तो यहाँ पे तीन तीन सर आ गए और मैं तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। और गाइस यार, शिनचैन के सूट पहनते तो यार इसके अंदर कितनी ज्यादा ताकत आ चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, क्या ऊंची ऊंची छलांगे मार रहा है। बाप रे बाप, क्या ही इसके अंदर ताकत आ चुकी है, ये तो लगता है कि पूरे शहर को खाक में मिला देगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर गाड़ियों को कितने आसान तरीके से उठा उठा के पटक पा रहा है। बाप रे बाप, इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा ताकत है इस सूट में। और गाइस, अगर आपको आज की वीडियो में मजा आया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जरूर बताने की 2+2 क्या होता है। और शिनचैन ओपी भी जरूर लिख देना, क्योंकि यार शिनचैन जीता है आज का चैलेंज। तो यार प्लीज जाकर कमेंट में शिनचैन ओपी जरूर लिख देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।